आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं मंजरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद सीबीआई जांच करवाने की मांग बेगूसराय के वासियों ने उठाई। बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तथा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में किए जा रहे असहयोग के विरोध में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज वीर कुंवर सिंह चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते प्रतिरोध सभा के माध्यम से हुए विरोध प्रकट किया। मौके पर विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या से पूरे भारत में, विशेष तौर पर बिहार राज्य में जन आक्रोश व्याप्त। बिहार वासी सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच चाहते हैं, जिससे इस केस से जुड़े हुए कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो सके। बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस की जांच में व्यवधान उत्पन्न कर गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि भारत का संविधान किसी भी राज्य की पुलिस को किसी भी राज्य में जाकर जांच करने का अधिकार देता है। इस तरह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकार को हाउस अरेस्ट किया गया है। यह देश के संघीय ढांचे का अपमान है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या से पूरे देश में, विशेष तौर पर बिहार राज्य में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोग मौत के कारणों की जांच चाह रहे हैं। भारत का संविधान किसी भी राज्य की पुलिस को किसी भी राज्य में जाकर जांच करने की इजाजत देता है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है, विकासशील इंसान पार्टी महाराष्ट्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है और बिहार सरकार से मांग करती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए, जिससे इससे जुड़े हुए सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो सके और हमारे हीरो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। क्या नाम? समीर सिंह चौहान, विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बेगूसराय।